अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द लाइव ट्यूटोरियल। चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हमें रेडिकल इक्वेशन गिवन होगी, रेडिकल इक्वेशन को हम लोगों ने सोल्व करना है। उसके बाद हमारे पास दो रूट्स आएंगे, फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कौन सा रूट्स हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, कौन सा सेटिस्फाई नहीं करता। फर्स्ट पार्ट क्या हमें गिवन किया गया है, 2x प्लस 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 16। अब इसमें क्या है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में अमाउंट है। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड इसकी स्केलिंग करेंगे। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 7x प्लस 16। लेफ्ट साइड पे देखिए होल स्क्वायर है, दरमियान में साइन क्या है, प्लस। प्लस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर ऑफ a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू का स्केयर स्केयर ऑफ 2x प्लस बी की वैल्यू का स्केयर 5 का स्केयर प्लस 2। फार्मूले का ए की वैल्यू 2x मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू 5, स्केयर स्केयर रूट से कैंसल 7x प्लस 16। 2 का स्केयर क्या हो गया 4x स्केयर, 5 का स्केयर 25, 5 टू 10, 10 टू 20, 20x इक्वल टू 7x प्लस 16। अब क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 7x पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, 16 पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव। 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 7x प्लस 25 माइनस 16 इक्वल टू क्या हो गया, 0। 4x स्क्वायर प्लस 20 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, 13। x प्लस 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 25 में से 16 को हम लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 9 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना है फर्स्ट टर्म को, थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 9 फोर आप 36 एक्स स्क्वायर। दस दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 36 एक्स स्क्वायर आए, और प्लस माइनस करने से प्लस का क्या आना चाहिए, 13। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो 36, 9 में 4 ऐड करो भी क्या आ जाएगा, 13। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में कॉमन क्या है, 4x ब्रैकेट में अमाउंट x प्लस 1, नेक्स्ट टू में से 9 कॉमन ब्रैकेट में अमाउंट x प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन क्या है इन दोनों में से, x प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा, 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। दोनों 0 की इक्वल है, अलग अलग 0 की इक्वल प्लेस कर लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0, 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। 1 पॉजिटिव राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और x की वैल्यू 9 पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव, x के साथ 4 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके क्या हो गया, डॉट x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 और माइनस 9/4। अब क्या करना है, हम लोगों ने इसको चेक करना है, पहले x की वैल्यू माइनस 1 पे अमाउंट क्या है, 2x प्लस 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 16। 2x की वैल्यू माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7, x की वैल्यू माइनस 1 प्लस 16 माइनस क्या आ गया, 2 प्लस 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 7 प्लस 16। 5 में से 2 से पैक किया 3, 16 में से 7 से पैक करो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 3। बोथ साइड्स क्या हो गए, इक्वल, मतलब x की वैल्यू क्या है, एक सॉल्यूशन सेट में क्या हो गया, माइनस 1 सेटिस्फाई कर दिया। सेकंड हमने क्या प्लेस करना है, x इक्वल टू माइनस 9/4 ये प्लेस करेंगे। अमाउंट है हमारे पास 2x प्लस 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 16, 2x की वैल्यू माइनस 9/4 प्लस 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x की वैल्यू माइनस 9/4 प्लस 16। 1 ऑफ 2 टू 2 ऑफ 4 माइनस 9/2 प्लस 5, एलसीएम इसका क्या होगा, 2 माइनस 9 प्लस 5 2 10,
नाइन टेन में से नाइन सब्ट्रैक्ट किया क्या आ गया, वन बाय टू। नाइन को सेवन से मल्टीप्लाई करो, नाइन सेवन अब क्या आ जाएगा, 63 माइनस 63 बाय फोर प्लस क्या आ गया 16। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, फोर माइनस 63 प्लस 64 को फोर से मल्टीप्लाई करोगे, 16 को फोर से मल्टीप्लाई करोगे 64 में से 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय 4, 1 बाय 2 इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब दोनों क्या हो गए, इक्वल टू हुए, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू माइनस 1 और माइनस 9 बाय 4 हो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, अमाउंट है हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस 1। स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड इसकी स्केयरिंग कर लेंगे, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3x माइनस 1। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स प्लस 3 इक्वल टू और का स्क्वायर है, दरमियान में साइन क्या है माइनस, माइनस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू का स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस टू फार्मूले का, ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू 1। एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 3x पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव, 3 पॉजिटिव राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव 0 इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3। 9x स्क्वायर माइनस क्या आ गया, माइनस 6x माइनस एक्स क्या आया हमारे पास, माइनस 7x माइनस 2। फैक्टराइज करना है, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 18x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 18x स्क्वायर आए, प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए माइनस 7x। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 9 में से 2 से टैक कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7। 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 2, 2 2 के पेयर, फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है हमारे पास 9x, ब्रैकेट में अमाउंट x माइनस 1, नेक्स्ट 2 में से 2 कॉमन, ब्रैकेट में अमाउंट x माइनस 1, ब्रैकेट सेम, ब्रैकेट कॉमन, सो वन टाइम जो चीज कॉमन उसको वन टाइम x माइनस 1 इंटू 9x प्लस 2, दोनों 0 की इक्वल है, लिहाजा लिहाजा 0 की इक्वल प्लेस कर ले, x माइनस 1 इक्वल टू 0, 9x प्लस 2 इक्वल टू 0, 1 नेगेटिव राइट साइड पे जाके क्या हो गया पॉजिटिव, और 2 पॉजिटिव राइट साइड पे जाके क्या हुआ नेगेटिव, एक्स के साथ 9 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 और माइनस 2 बाय 9। अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है, एक्स इक्वल टू पहले 1 प्लेस करेंगे, अमाउंट है हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 में 1 ऐड किया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4, 3 माइनस 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 और इक्वल हो गए, एक सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे पास 1। अब x की वैल्यू क्या प्लेस करने लगे, माइनस 2 बाय 9, अमाउंट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस 1, वैल्यू प्लेस करते हैं, स्क्वायर रूट x की वैल्यू माइनस 2 बाय 9 प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 2 बाय 9 माइनस 1। एलसीएम ले ले क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 प्लस 27, 3 1 ऑफ 3, 3 3 ऑफ 9 माइनस 2 बाय 3 माइनस 1, 27 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा हमारे पास 25 बाय 9 इक्वल टू, इसके एलसीएम क्या आ गया 3 माइनस 2 माइनस 3 क्या आ जाएगा 5 बाय 9 का स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 बाय 3, क्या बोथ साइड्स इक्वल है, बोथ साइड्स इक्वल नहीं है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन है यहाँ पे 1। ओके हो गया,
अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो कांडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। हाँ, वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।